हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंस पर क्लास है हमारी आज की। मतलब जैसे कि बिग माने बड़ा होता है और एल्डर माने भी बड़ा ही होता है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है, इनका यूज कहाँ करते हैं, हम कैसे करते हैं, सब बताऊंगा आपको। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को देखने से पहले कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, ठीक है। देखिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास तो चली रही है स्पोकन इंग्लिश की, ठीक है। तो उसमें आज हमारी कुछ अलग क्लास है, थोड़ी सी हटके ग्रामर से क्लास है हमारी, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश क्लास हमारी अलग चल रही है, उसकी प्ले लिस्ट मैंने अलग बना रखी है। अगर आपने उनकी वीडियो भी देखनी है, स्पोकन इंग्लिश भी सीखनी है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल नंबर हमारे, और वीडियो को चेक कर कर देखिए, ठीक है। देखिए, अब पढ़ते हैं। देखिए, बिग माने बड़ा होता है और अल्ट्रा माने बड़ा ही होता है, लेकिन फ़र्क कहाँ होता है, इनका यूज कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये सीखेंगे आज। देखिए, बिग का प्रयोग कहाँ करते हैं, अल्ट्रा का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, बिग का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें कोई साइज बताना हो, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई मुझसे बड़ा है, मतलब जैसे कि मैं, देखिए मैं हूँ, ठीक है, और कोई मुझसे बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर करेंगे बिग का प्रयोग, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये मार्कर है, सपोज दैट आपको मानना है सीरियम बराबर ही है दोनों, अगर यह मार्कर है और यह मार्कर इस मार्कर से बड़ा है तो वहाँ पर लगाएंगे, मतलब दिस मार्कर इज बिग, यहाँ पर लगाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ एल्डर का प्रयोग कहाँ करेंगे, वहाँ एल्डर का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमें उम्र बतानी है, मतलब अगर हमें किसी की जहाँ पर उम्र की बात की है वहाँ पर करेंगे एल्डर का प्रयोग, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूँ कि मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, तो वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे हम, एल्डर का, ठीक है। देखिए, इनका प्रयोग लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले इनको नोट भी करते रहना, साथ में नोटबुक लेकर बैठना है, ठीक है। देखिए, लिखते हैं जहां पर साइज की बात की जाए, ठीक है। और देखिए, यहां पर उम्र की बात की जाए, ठीक है, जहाँ पर उम्र की बात की जाए, देखिए जहाँ पर साइज की बात करेंगे वहाँ पर बिग लगाएंगे, और जहाँ पर करेंगे एल्डर की बात वहाँ पर लगाएंगे हम एल्डर, ठीक है। जहाँ पर करेंगे हम उम्र की बात वहाँ पर लगाएंगे हम एल्डर, ठीक है। हम पढ़ेंगे स्मॉल और शॉर्ट में फ़र्क, ठीक है। जैसे कि मैंने बिग और एल्डर में पढ़ा, उसी प्रकार शॉर्ट और स्मॉल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि बिग और एल्डर का प्रयोग भी अलग अलग होता है, उसी प्रकार शॉर्ट और स्मॉल का प्रयोग भी अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, शॉर्ट का भी और स्मॉल का भी छोटा, लेकिन प्रयोग अलग अलग है। कैसे, देखिए देखें, शॉर्ट का मतलब भी छोटा, स्मॉल का मतलब भी छोटा। देखिए, प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर किसी की हाइट बताई जाए, हाइट के लिए, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे हम बनावट के लिए, बनावट के लिए, ठीक है। देखिए, बनावट इसमें सिर्फ मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगा, एक इसका दूंगा, ठीक है, तो आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमें जैसे कि हमारा है हाइट के लिए बताया मैंने, देखिए जैसे कि कोई मुझसे बड़ा है, ठीक है, मतलब मैं छोटा हूँ और कोई मुझसे बड़ा है, तो वहाँ पर करते हैं बिग का प्रयोग, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और अगर कोई, मतलब मैं छोटा हूँ, ठीक है, और कोई मुझसे भी छोटा है, मतलब मैं बड़ा हूँ, सॉरी मैं छोटा हूँ और मुझसे भी कोई छोटा है, तो वहाँ पर करेंगे हम शॉर्ट का प्रयोग, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूँ कि कोई पेड़ छोटा है और कोई पेड़ उससे भी छोटा है, तो वहाँ पर करेंगे हम शॉर्ट का प्रयोग, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, स्मॉल, स्मॉल माने भी छोटा ही होता है, लेकिन प्रयोग इसका भी अलग है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बनावट के लिए, ठीक है, बनावट के लिए। कैसे, देखिए, जैसे कि कोई चीज़ बनावट में छोटी है, जैसे कि देखिए यहाँ मार्कर बनावट में शुरू से छोटा है, मतलब जब से बना है, लेकिन जब से छोटा ही है, ठीक है, समझ गए। जैसे कि यहाँ डस्टर देखें, बनावट में छोटा है तो छोटा ही रहेगा, ठीक है, छोटा है बनावट में, छोटा है मतलब, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा अंगूठा है, देखिए 5 उंगली है, 5 उंगली में अंगूठा छोटा है, तो यहाँ छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ किस प्रकार से करेंगे हम स्मॉल का प्रयोग, मतलब जैसे कि मैं कह दूँ कि यह मार्कर छोटा है, तो दिस इज अ मार्कर स्मॉल, ठीक है, दिस इज अ मार्कर स्मॉल, मार्कर लंबाई में, मतलब उसमें लंबाई में बड़ा है, तो वहाँ पर करेंगे हम, अगर इसकी हाइट बता रहे हैं ना, मतलब महल लंबाई में बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम हाइट के लिए प्रयोग, यहाँ पर कर देंगे हम। देखिए, अब पढ़ेंगे हम फेमस और नोटोरियस, ठीक है, किस प्रकार से इनका प्रयोग भी अलग अलग है। देखिए, दोनों का फेमस और नोटोरियस का मतलब दोनों का एक ही होता है, प्रसिद्ध होना, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग है। देखिए, अगर हम करते हैं सही काम के लिए, अगर कोई सही काम के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर लगाएंगे हम फेमस,
ठीक है। और नोटोरियस मतलब कोई गलत काम के लिए प्रसिद्ध है, गलत काम, ठीक है। देखिए जैसे मैं कह दूँ कि मैं पढ़ाने में फेमस हूँ, मतलब मैं पढ़ाने में प्रसिद्ध हूँ, तो वहाँ पर करेंगे फेमस का प्रयोग, ठीक है। वो कहते हैं ना कि फेमस हो गया, फेमस हो गया, जैसे कि अभी एक फेमस हुए हैं, देखिए जैसे कि मैं बच्चे ने गाना गाया था जाने मेरी जाने मन, ठीक है, वो फेमस हुआ था अभी, तो वहाँ पर करेंगे फेमस का प्रयोग। तो सही काम के लिए हुआ है ना फेमस हूँ, सिंगिंग के लिए, तो सिंगिंग अच्छा काम है गलत काम है आपको बताना है, ठीक है। सिंगिंग अच्छा काम है ना, तो वहाँ पर करेंगे फेमस का प्रयोग, ठीक है, वो सही काम के लिए फेमस हुआ है, ठीक है। अगर कोई गलत काम के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि कोई चोरी करने के लिए प्रसिद्ध हुआ है, जैसे कि कोई चोर है और वह चोरी करता करता बहुत ही फेमस हो गया बंदे, वहाँ फेमस नहीं बोलेंगे, वहाँ गलत हो जाएगा, वहाँ बोलेंगे नोटोरियस, मतलब वह चोरी करने में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो वहाँ पर बोलेंगे इंग्लिश में बोलना है वह चोरी करने में प्रसिद्ध है, यहाँ नोटोरियस लगाएंगे, ठीक है। आपको अगर फेमस बोलेंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी ग्रामर सुधार लें, ग्रामेटिकल की थोड़ी थोड़ी गलती आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत करती है, ठीक है। समझ गए हैं, फेमस हमारा सही काम के लिए यूज करेंगे और नोटोरियस हमें गलत काम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इतना सी क्लास थी बस आज की हमारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने हमारे चैनल ज्ञान एजुकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।